नमस्ते, नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ इंदु। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। निप्पल शील्ड की आदत अगर बच्चे को हो गई है, बगैर निप्पल शील्ड के बच्चा स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता है, तो इससे बच्चे को कैसे छुटकारा दिलाएं, आज के इस वीडियो में यही जानकारी आपको देने जा रही हूँ। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊँगी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू मदर्स होती हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निप्पल शील्ड से क्या बच्चे को किसी तरह की कोई हानि होती है, क्योंकि मदर्स जो होती हैं उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ ही कई क्वेश्चन और जुड़े हुए मुझे आए थे कि निप्पल शील्ड या फिर जो चूसनी यानी पेसिफायर होता है उससे या फिर बॉटल से बच्चे को कैसे छुटकारा दिलाएं। तो इन सब का प्रोसेस अलग अलग है, क्योंकि निप्पल शील्ड जो होता है वो आप अपने ब्रेस्ट पर इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर कुछ इसकी जानकारी भी मैं दे देना चाहूँगी जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हें शायद न पता हो कि निप्पल शील्ड क्या होता है। जिन महिलाओं को गर्भावस्था के समय यानी कि जब सातवां आठवां महीना उनका लग जाता है और उनके जो ब्रेस्ट का निप्पल होता है वो अंदर की तरफ इन्वर्ट होता है या फिर एकदम से फ्लैट होता है, तो उन्हें बाद में ब्रेस्ट फीडिंग कराने में दिक्कत होती है, बच्चा निप्पल नहीं पकड़ पाता, यानी ब्रेस्ट का जो निप्पल होता है वो बच्चा अपने मुँह में नहीं पकड़ पाता है, जिससे कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करने में तकलीफ़ होती है। तो इसलिए निप्पल शील्ड को जो ब्रेस्ट का निप्पल होता है वहाँ पर लगाया जाता है, जिनका कि एकदम से फ्लैट या इन्वर्ट निप्पल हो उनके लिए। लेकिन इसके लिए मैंने अपने चैनल पर दो वीडियो दिया हुआ है, एक नेचुरल तरीके से जो आपका ब्रेस्ट निप्पल है यानी महिलाओं का जो ब्रेस्ट निप्पल होता है वो अगर एकदम से फ्लैट है तो उसमें उभार लाने के लिए नेचुरल तरीके का वीडियो मैंने अपने चैनल पर दिया है। आर्टिफिशियल तरीके के विषय में भी बताया है। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो चेकआउट करके सबसे पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने कि इसके विषय में मुझसे जानकारी ली थी और गर्भावस्था के समय यानी सातवें आठवें महीने से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, उन्होंने अपने ब्रेस्ट निप्पल पर ध्यान दिया और तभी से उन्होंने ये जो प्रोसेस मैंने बताए हैं वीडियोज़ में उन्हें फॉलो किया और किसी हद तक उनके निप्पल में उभार आ गया था और लोगों ने फिर भी निप्पल शील्ड का ऑर्डर दिया। लेकिन जब तक ऑर्डर देना और आपके घर तक उसकी डिलीवरी पहुंचती है तब तक उनके निप्पल में इतना उभार आ गया था कि बच्चा पीने लगा था। और कुछ लोगों को जब निप्पल शील्ड लगा करके महिलाएँ स्तनपान कराती हैं उस समय भी जब बच्चा शक करना शुरू करता है तो धीरे धीरे जो निप्पल होता है उसमें उभार आ जाता है, तो उस समय उन्हें उस निप्पल शील्ड की आदत जब बच्चे को हो जाती है तो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उसमें उसे जो चीज़ आप दे देती हैं उसकी आदत बच्चे को हो जाती है, उसे वो ज़्यादा इजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो बाद में बच्चा जो ब्रेस्ट का निप्पल है उसे नहीं पकड़ना चाहता है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी को ऐसी समस्या है तो सबसे पहले आप कुछ कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि पहले के समय में तो निप्पल शील्ड होता नहीं था, बॉटल भी नहीं होती थी, तब अगर ऐसा फ्लैट निप्पल या फिर इन्वर्ट निप्पल की समस्या होती थी तो महिलाएं कैसे करती थी, क्योंकि उस समय जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे तो उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो पहले से ही देखभाल करते थे, और जब बच्चा जन्म ले लेता था उसके बाद में भी लगता था कि हाँ इस तरह की समस्या ब्रेस्ट में है, तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो कोई न कोई उपाय, जैसे कि ब्रेस्ट निप्पल को दबा दबा करके वहाँ से दूध निकालना और बच्चे को चम्मच से दूध पिला देना, और फिर इस तरह से जब एलोरा के भाग के पास में आप दबाना शुरू करती हैं, थोड़ा मालिश दे करके उभार देना शुरू करती हैं, तो धीरे धीरे 10-15 दिनों में निप्पल में उभार आ जाता है। इसलिए आपकी जो सबसे पहली कोशिश होगी वो ये कि आप अपने ब्रेस्ट के निप्पल में उभार देने की कोशिश करिए। लेकिन जिन बच्चों को निप्पल शील्ड की आदत हो चुकी है, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि इसी वीडियो में निप्पल शील्ड और बॉटल और चूसनी पेसिफायर की जानकारी नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि उन दोनों का प्रोसेस अलग है। चूसनी या फिर जो बॉटल होता है वो दे करके आप हट जाती हैं, इसलिए उससे किसी हद तक बच्चे को समस्या होती है, क्योंकि वो बच्चा काफ़ी देर तक अपने मुंह में लिए रहता है। अगर बच्चा आपका बॉटल से दूध पी रहा है तो भी आप अगर बच्चे को दूध दे करके हट गई हैं, बच्चा थोड़ा एक दो महीने का बड़ा हो गया है या 3-4 महीने का बड़ा हो गया है,
एक दो महीने का भी बच्चा हो जाता है तो भी लोग थोड़ा सा इधर उधर जरूर देख लेते हैं, लेकिन जो आपके ब्रेस्ट के निप्पल पर निप्पल शील्ड लगा हुआ है वो आप तभी तक इस्तेमाल करती हैं जब तक कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, यानी मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो इतनी देर में जिन महिलाओं को ऐसा शक है कि बच्चे का जो मुंह है उसका शेप बिगड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट तक ही आपके बच्चे के मुंह में रहता है। तो इस तरह की जो समस्या आप सोच रही हैं कि आपको आएगी, तो ऐसा नहीं होता है। निप्पल शील्ड से बच्चे के मुँह का शेप नहीं बिगड़ता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेती हैं तो इससे बच्चे को किसी तरह की कोई नुकसान होने की समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर आप किसी सस्ते किस्म का, जैसे कि मैंने जब निप्पल शील्ड के ऊपर वीडियो तैयार किया था उस समय मैं मेडिकल शॉप पर उसे लेने के लिए गई थी, देखना चाहती थी कि निप्पल शील्ड की क्वालिटी कैसी है और क्या कुछ समस्या इसमें आ सकती है, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो वहाँ पर मैंने जो निप्पल शील्ड देखा वो बहुत ही हार्ड यानी एकदम से ठोस था। वो महिलाओं के ब्रेस्ट के निप्पल पर भी तकलीफ़ देता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ठोस था कि निप्पल में, यानी जो महिला का ब्रेस्ट निप्पल होता है, ब्रेस्ट होता है, वो एकदम से सॉफ्ट स्किन होती है वहाँ की, तो खरोच आने की संभावना भी थी और उससे जख्म हो जाने की संभावना थी। लेकिन जो ऑनलाइन आप सिलिकॉन का निप्पल शील्ड ऑर्डर करती हैं वो एकदम अच्छी क्वालिटी का होता है, आपकी स्किन के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत हद तक एकदम से नरम यानी एकदम से सॉफ्ट रहता है, और उससे किसी तरह की आपके ब्रेस्ट के निप्पल पर भी जख्म लगने या फिर किसी तरह के जैसे लाल हो जाता है ऐसा होने की संभावना नहीं रहती है, और ना ही इससे बच्चे के मुंह का शेप बिगड़ता है, तो इस तरह की समस्या नहीं आती है। जितनी देर तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उतना देर तक ही निप्पल बच्चे के मुँह में रहता है। तो ये जो बॉटल और चूसने जैसी समस्या होती है ऐसा इसमें नहीं होता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का मंगाती हैं तो 20-25 मिनट से ज़्यादा आपके बच्चे के मुँह में ये नहीं रहता है। सिर्फ आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि आप निप्पल शील्ड को अच्छी तरह से वॉश करिए गर्म पानी में, जब जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में उसे अच्छी तरह से धो दीजिए, ताकि उसमें किसी तरह का दूध न लगा रह जाए, क्योंकि उसे आप अलग जगह पर रखेंगी तो इससे उसके ऊपर धूल मिट्टी अगर जमती है तो प्रॉब्लम आती है, तो उसकी सफाई का अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। इसके अलावा जब आप निप्पल शील्ड को धोती हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम प्लास्टिक की चीज़ें यानी जो निप्पल शील्ड है या बॉटल है इन सब चीज़ों को धोते हैं तो पानी और साबुन जो डिटर्जेंट आप इस्तेमाल करती हैं उसका असर किसी हद तक इस बॉटल के निप्पल पर या निप्पल शील्ड के निप्पल पर असर होता है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि एक बार धोने के बाद में वो जो प्लास्टिक है यानी वो जो सिलिकॉन का निप्पल शील्ड रहता है उसमें ज़रा सा भी आपको अंतर दिखाई देता है, तो आप जब भी उसे धोइए तो कोशिश करिए कि जो आपके घर में देसी घी रहेगा वो आप पानी में एक ड्रॉप डाल दीजिए, तो इससे उसका जो मुलायमपन होता है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। यानी धोने के बाद में एक बार आप फिर से अच्छे से साफ़ पानी में यानी बगैर घी वाले साफ़ पानी में, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो नहीं, तो फिर अगर बच्चा 4-5 महीने का हो गया है तो देसी घी का इस्तेमाल करने से उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस तरह से आप जब धोएंगी तो उसका जो प्लास्टिक है वो ख़राब नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी आदत से बच्चे को छुटकारा कैसे दिलाएं। अगर बच्चा एकदम से छोटा है, क्योंकि जो प्रोसेस जो टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चा एकदम से छोटा है और आप कोशिश कर रही हैं, बच्चा रो रहा है, उसे आपके ब्रेस्ट निप्पल को नहीं पकड़ना है, उसे निप्पल शील्ड ही चाहिए, तो आप ज़्यादा कोशिश करेंगी, बच्चा रोएगा तो उसे उल्टी हो सकती है, खांसी आ सकती है। इसलिए आप अपने बच्चे के स्वभाव को देखिए, अगर वो जिद ही पकड़ लिया है तो मैं अपनी तरफ से यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा कोशिश ना करें। अगर बच्चा छोटा है तो, अगर बच्चा 4-5 महीने का हो गया है तब आप छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकती हैं कि बच्चा इस आदत को छोड़ दें। वैसे भी 1 साल से ज़्यादा आपका बच्चा आपके ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं करता है यानी आपका दूध नहीं पिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल, तो इतने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आपके निप्पल में थोड़ा बहुत उभार आने लगा है इसलिए आप ऐसा सोच रही हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप निप्पल शील्ड की आदत को छुड़ा दीजिए। अब जो 2 टिप्स हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आप जब बच्चे को दूध पिलाने लगती हैं, बच्चा एकदम अच्छी तरह से
पीना शुरू कर देता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सांस लेने के लिए बच्चा थोड़ा सा आपके निप्पल को छोड़ता है। उसी समय आप बहुत फुर्ती से उस निप्पल सील्ड को निकाल लीजिए ताकि बच्चे को पता न चलने पाए, और फिर फटाक से उसको अपना ब्रेस्ट पकड़ा दीजिए। देखिए कि क्या बच्चा जिद करता है, उसे पता चल जाता है। अगर पता चल जाता है तो भी आप उसे पिलाने की कोशिश, यानी अपने निप्पल को, ब्रेस्ट निप्पल को थोड़ा सा दबा करके उसके मुंह में दूध उतारने की कोशिश करिए ताकि उसे पता चले कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, दूध वैसा का वैसा ही निकल रहा है। तो ये कोशिश आप एक दो बार करके देखिए। अगर बच्चा नहीं रोता है, वो भूल जाता है और दूध पीने लगता है, तब तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चा रोता ही रह जाता है, वो आपका ब्रेस्ट निप्पल नहीं पकड़ रहा है, तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप निप्पल को फिर से लगा करके, यानी निप्पल सील्ड को लगा करके फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। क्योंकि बच्चा ज़्यादा देर तक अगर रोएगा तो उसकी पहली बात चिढ़ हो जाएगी उसे, वो दूध बाद में पिएगा नहीं, और दूसरी बात उसे खांसी आने लगेगी, उल्टी होने लगेगी, तो इससे आपको भी तकलीफ़ होगी, आपके बच्चे को भी तकलीफ़ होगी। तो ये एक टिप्स अपना करके देखिए। इसके अलावा अगर ऐसा है कि नहीं, बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा है और मतलब 2-3 महीने का हो गया है, उसे आप थोड़ा स्ट्रिक हो सकती हैं उसके साथ में, तो आप क्या करिए कि आटा, जो आटा रहता है हम रोटी बनाते हैं, उसको थोड़ा सा गीला करिए और निप्पल सील्ड के अंदर, यानी जो छेद होता है वहाँ के भाग पर लगा दीजिए, और उसके बाद में आप अपने ब्रेस्ट को निप्पल लगा करके उस निप्पल सील्ड को बच्चे को पकड़ाइए, उसमें से दूध नहीं निकलेगा। और अगर बच्चा जीत पे अड़ जाता है तो बाद में आप जब धोएंगे तो ये आटा जो है वो निकल भी जाएगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि चूसनी या पेसिफायर जो होता है उसे हम अक्सर ऊपर से मोड़ देने की सलाह देते हैं, लेकिन ये जो है इसमें ऐसा नहीं करिएगा। आप अंदर से आटा या फिर चावल जो पका हुआ रहता है उसे ज़रा सा ऐसे लगा दीजिए ताकि आप जब बाद में इसे धोएं तो वो आसानी से निकल जाए। तो आप अंदर की तरफ लगा देंगे और बच्चे को पकड़ाएंगे, जब वो चिपका हुआ रहेगा, क्योंकि चावल भी थोड़ा चिपचिपा होता है और आटा आप थोड़ा सा पानी में ऐसे मिक्स करके तब लगाएंगे तो वो भी थोड़ा चिपचिपा रहता है, तो उसमें से दूध निकलेगा नहीं, वो जो छेद होता है वो बंद हो जाता है। तो इससे बच्चे को ऐसा लगेगा कि मैं सक तो कर रहा हूँ, पी रहा हूँ, लेकिन दूध नहीं निकल रहा है, तो बच्चा थक जाएगा। और उसी समय आप निप्पल सील्ड को निकाल करके अपना ब्रेस्ट निप्पल जो होता है वो पकड़ा दीजिए और दूध को उसके मुंह में निचोड़िए थोड़ा सा, ताकि उसे पता चले कि दूध निकल रहा है। ये एक टिप्स अपना करके देखिए। कुछ बच्चों के ऊपर ये टिप्स जो है वो मैंने बताया था और उन्होंने फॉलो किया, तो वाकई में उन्हें इसका फ़ायदा हुआ कि बच्चा धीरे धीरे आदि हो गया और वो जो ब्रेस्ट निप्पल था उससे दूध पीने लगा। तो आप इसे ज़रूर फॉलो करके देखिए, हो सकता है आपका बच्चा पी भी ले, और ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा न पिए। अगर नहीं पीता है, नहीं उसे निप्पल सील्ड से ही पीना है, तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगी कि बच्चा छोटा है, उसे भूख लगी रहती है, तो उसे ज़्यादा रुलाना ठीक नहीं होगा। आप कोशिश करिए कि आप 20-25 मिनट ही तो पिलाना रहता है, तो इससे ओट का शेप भी नहीं ख़राब होता है, सिर्फ आपको थोड़ी सी परेशानी होती है कि उसे धोना पड़ता है। तो आप इतना कर लीजिए, 1-1.5 साल 2 साल तक ही आपका बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, उससे ज़्यादा तो करेगा नहीं, तो फिर इससे किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, इससे निप्पल सील्ड से आपको क्या कुछ तकलीफ हो सकती है, क्या इसके फ़ायदे हैं और किस तरह से आप निप्पल सील्ड से अपने बच्चे को छुटकारा दिला सकती हैं, इसे समझने में आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि न्यू मदर्स को भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।